हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है, मतलब व्हाई पाकिस्तान वांट कश्मीर बट इग्नोरिंग बलूचिस्तान, ये वीडियो का टाइटल है। जल्दी से वॉच करते हैं। वैसे टाइटल बड़ा गंभीर किस्म का है कि मतलब कि इग्नोर करता बलूचिस्तान को लेकिन कश्मीर चाहिए, लेकिन वॉच करते काउंट ऑन करते 3-2-1 एंड स्टार्ट। में जुल्म हो रहा है कश्मीर के लोगों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमान नहीं रहते? बलूचिस्तान में क्या हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं रहते? वहाँ पे जुल्म होता है, उस पर क्यों नहीं हम बोलते? बलोचिस्तान में मामले वो सबको पता है। सब क्या क्या है बताएं, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुने ना, आपको नहीं पता ना, आप मीडिया से हैं ना, मुझे बताएं, इसलिए नहीं पता। आपको बताया जाता है लेकिन आप आगे लोगों को एक साथ शेयर नहीं करते। शेयर मैं अभी कैमरा इसलिए लाया हूँ, ये वजह तो नहीं कि हम उन्हें उनका हक नहीं दे रहे। शायद यही हो, वहाँ से हम गैस भी लेते हैं, वहाँ से हम कोयला भी लेते हैं, वहाँ से हम बड़ी सी मादनियात भी लेते हैं, लेकिन वो फिर बेचारे गैस से मर। बिल्कुल यही है, ये लगा होगा ऐसा ही है। तो इसका कसूरवार कौन है वहाँ पे? तो आपने इंडियन गवर्नमेंट को कह दिया कि कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट कसूरवार। आपका कोई घर है, आपका घर है, आप क्यों चाहेंगे कि आपके घर के हालात खराब हो? देखो, हालात के खराब किए जाते हैं जब तीसरा फर्द उसके अंदर आ जाए। अनवाल कौन आता है? कोई भी आ जाए। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको पता? हाँ जी, बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें पता है। हो रहा है आ रहे जो, जैसे कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। जैसे कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है लेकिन आउट ऑफ कंट्री कर रहा है, सारी बात है। अब इंडिया कौन कर रहा है? आउट ऑफ कंट्री। आज तक उनको पानी नहीं मिला बेटा, और हम फिर बात करते हैं पानी नहीं मिला बलोचों को, पानी नहीं मिला। तो फिर इसका कसूरवार कौन है जो बलोचिस्तान में हो रहा है? सर, इसका इंडिया कसूरवार है, क्योंकि इंडिया का उधर जासूस भी पकड़े जा रहे हैं। जो काम हो रहा है इंडिया करवा रहे हैं, जो भी काम बलोचिस्तान में हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो इंडिया करवा रहे हैं। जो पाकिस्तान में घटना होगी, बलोचिस्तान के लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे, वो भी इंडिया नहीं दे रहा। बंदा बड़ा यार, कसम से लेजेंड बंदा है, नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। उस टॉपिक पे पाकिस्तान में बात करना बहुत मायूस समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि शायद इस टॉपिक पर बात करेंगे तो हमारे लिए मसला होगा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं हर उस इशू पर बात करूं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, हर उस इशू को सामने लाऊं जिसकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। आज का टॉपिक ये है कि हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीर के मुसलमानों को के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन जब बलूचिस्तान की बारी आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। बलूचिस्तान में भी बहुत से लोग आज़ादी की डिमांड करते हैं, या उन्हें बहुत से इशूज़ हैं वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के पाकिस्तानियों को, लेकिन हमारा मीडिया वो नहीं दिखाता जैसे दिखाना चाहिए। मिसिंग पर्सन का इशूज़ है और भी बहुत से इशूज़ हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करूँगा क्योंकि वो क्या जानते हैं इस हवाले से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि आप ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से आप क्या जानते हैं, कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से, कि वो ठीक रह रहे हैं या नहीं ठीक रह रहे? बिल्कुल ठीक नहीं रह रहे। उधर बहुत जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमानों पर। हम चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, वहाँ के लोग आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। बिल्कुल बहुत जुल्म हो रहा है। यही बात मैं अगर आपको आपसे पूछूंगे बलोचिस्तान के हवाले से, आप बताएं कि वहाँ पर क्या मामलात हैं, तो आपको पता है वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनके साथ क्या होता है? उधर भी जुल्म होता है, तो उसके बारे में कभी हम क्यों नहीं बात करते? हमें बात करनी चाहिए। जो हम तो नहीं लड़ सकते, जो हुकूमत है वो लड़े, वो उसी ऊपर जो सदा है। तो लड़ने वाले कोई उधर, तो लड़ने वाली कोई चीज़ भी नहीं है उधर, तो बस उन्हें हकूक दिए जाएं, वो तो अपने हक मांगते हैं। बलोचिस्तान के लोग, हम दूसरे घर जाके, मतलब कश्मीर की बात कीजिए, वहाँ जाके कहते हैं कि मुसलमानों को हक दें, वहाँ जाके कहते हैं कि मुसलमानों को आज़ाद किया जाए, जो हमारे अपने घर में मुसलमान बैठे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हम? हमें करनी चाहिए, हर मुसलमान का फर्ज यही है कि उनको आज़ाद किया जाए। चाहिए, क्यों नहीं करते? करते नहीं, करते कोई भी नहीं करता। हक के मौके पे हमें हक की बात करनी चाहिए, भले वो गलत हो या सही हो, हमारा काम। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपको पता? बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें पता है। हम हो रहा है भी आ रहे जो, जैसे कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, जैसे कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है लेकिन आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं, सारी बात है। अब इंडिया कौन कर रहा है? आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो तो हमारे अपना घर है बलोचिस्तान, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ पे अगर हम कुछ नहीं बेहतरी ला सकते तो कश्मीर में कैसे लाएंगे? कौम की, हमारी कौम की गलती है ना, सब मुता एक नहीं है, सब एक नहीं है, अगर सब एक होकर चले तो कश्मीर के कश्मीर के हवाले से हम आए दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई प्रोग्राम अपने सोशल मीडिया पे, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, तो फिर हम बलोचिस्तान के हवाले से कभी कोई प्रोग्राम देखा है आपने? हाँ जी, बलोचिस्तान के हवाले से नहीं देखा। क्यों नहीं देखा जाता? हमारा मीडिया शो ही नहीं कराता बलोचिस्तान को, क्यों नहीं शो कर? अब ये हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये गलत बात नहीं है, हमें देखें, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, आपको भी, इन्हें भी, सबको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। तो पहले पाकिस्तान को बेहतर
बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के इलाकों को बेहतर करेंगे, उसके बाद ही दूसरे कहीं पे मुसलमान। हमारा मीडिया हमें वो चीज दिखाता है जिसमें मतलब लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जिसमें मतलब छोटे पैमाने पे काम, ये सही बात है, उसमें वो अगर मैं नहीं आता तो बोलते हमारा चैनल ही चलेगा या हम फ्लॉप हो जाएंगे, हमारा चैनल चलाने नहीं दिया जाएगा, हमारा चैनल चलाने नहीं दिया जाएगा, हमारे साथ मसला होगा या हम वायरल नहीं होंगे, तो हमारे मीडिया का यही तो मेन मसला चल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा नहीं हो रहा। लेकिन आप ये मानते हैं कि बलोचिस्तान में बहुत से मसाइल हैं? हाँ जी, ये हम मानते हैं, बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान बलोचिस्तान में, हुकूमत को भी देखना चाहिए, और आप के देख सकते हैं आप हमारी हुकूमत का आप हाल देख लें, आपस में वो लड़ने लगे हुए, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पीटीआई नून लीग में क्या चल रहा है, लड़ाई लगी हुई है। कुछ बोलेंगे आपसे, यही पूछ रहा हूँ कश्मीर में जो मामला हो रहे हैं उस हवाले से आप क्या जानते हैं, और बलोचिस्तान में जो मामला हो रहे हैं उस हवाले से क्या जानते हैं? सर, मैं कश्मीर के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत थी ना, उसने फिर भी कुछ ना कुछ बोला था, कुछ ना उसने कुछ बोला था, बोलने से क्या होता है, बोलने से ने उसने इस मुल्क की ना खातिर कुछ कोशिशें की थी, लेकिन आगे वो जो हमारे ऊपर वाली सरकार है, अमरीकी साजिशें वगैरह, अमरीकी सरकार जो साजिशें हैं वो हमारी सरकारें तो ना वो हमारे ऊपर तो कोई ना, वो मेरे देखे ना, मेरा भाई बात सुने ना, वो शहबाज शरीफ वो इस टाइम वजीर आजम, उसको सोचना चाहिए, वो उनको बस सिर्फ ये बड़ी है कि हमने मॉल को लूटना है, चोरी को लूटना है। मुझे ये बताएं कि कश्मीर के हवाले से तो आए दिन हम बात करते हैं कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बलोचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं उनका पता है आपको? बलोचिस्तान में मामले वो सबको पता है, सब क्या क्या है बताएं, मुझे नहीं पता, मेरी बात सुने ना, आपको नहीं पता ना, आप मीडिया से हैं ना, मुझे बताएं, इसलिए नहीं पता, आपको बताया जाता है लेकिन आप आगे लोगों को एक साथ शेयर नहीं करते। शेयर मैं अभी कैमरा इसलिए लाया हूँ, माइक इसलिए लाया हूँ कि आप बताएं हम शेयर करेंगे, क्या मसले हैं उधर? देखिए बलोचिस्तान के साथ बहुत, वहाँ के लोगों के साथ बहुत से मसाइल का सामना है, वहाँ आपको पता है दिन दिहाड़े कत्लो गारत भी अब सुना है, कौन करता है वो इधर कश्मीर में? तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया के लोग करते हैं, ठीक है कि इंडिया वाले कश्मीर पे जुल्म करते हैं, बलोचिस्तान में कौन जुल्म करता है? बलोचिस्तान में भी हमारी ये लोग ही करते हैं, ये हुकूमत करवाती है, सवाल ये गलत बात नहीं है, हम रोना रोते हैं कश्मीर के मुसलमानों का कि कश्मीर के मुसलमानों पे और अपने घर के मुसलमानों पे, अपने घर के पाकिस्तानियों पे हम जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हम तो आम इंसान है, हमारी कौन सुनता है? जब आम इंसान में शऊर आएगा, जब आम इंसान में अकल आएगी, जब आम इंसान को गलत और सही का पता चलेगा, जब आम इंसान गलत को गलत बोलना शुरू करेगा, सही को सही बोलना शुरू करेगा, तभी हुकूमत स्टेप लेगी। देखिए मैं फिर भी बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने हमें बोलना सिखाया था, बोलना सिखाया, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो एक चीज़ पाकिस्तान की काबिल तारीफ है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय है, यानी देखें मैं अगर इस इशू पे बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकता, इवन अप्रिशिएट भी किया जाता है, क्या कहते हैं? वो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो हर किसी के अपने अपने राय होते हैं, कोई किसी हुकूमत का होता है, कोई किसी हुकूमत का होता है, अब एक बलोचिस्तान में जुल्म हो रहा है या नहीं? हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, कौन कर रहा है? ये हमारे लोग ही कर रहे हैं, हमारे लोग, बंदा नहीं है, ये हुकूमत करवाती है, तो हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के या दूसरे इलाकों के कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, अब बलोचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है वो खुद ही हम लोग कर रहे हैं, आपके बकौल, मैं नहीं ये कह रहा, खुद ही कर रहे हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं? पहले हमें अपने घर को ठीक करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल, हमारे घर को ठीक है, हम सब लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है, जो हम खुद चुनाव करते हैं, ऐसी जो आगे जाके हमारे ही लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं। देखें पहले अमरीका में एक जंग हुई थी, पाकिस्तान के फौजी भेजे गए थे, वो मारे गए थे, पता नहीं उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो यतीम हो गए, इसी वजह से हुए थे ना, इन्होंने हमारी हुकूमत ने वो वहाँ पे भेजे थे लोग, तो वो किसका गया? कहीं ना कहीं हमारा कसूर है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ठीक है, हमारा खुद का कसूर है, हमारी ब्लेम हम इंडिया पे कभी करते हैं, कभी अमेरिका पे, कभी रशिया पे, कभी चाइना पे, कभी किसी पे, कभी किसी, नहीं वो तो हमारी देखे ना, हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान है, हम सब ने मिलकर उसके मसाइल जो हल करने हैं, वो कोई कहता है आप इस तरह तेल महंगा कर दें, फलां कर दें, महंगाई कर दें, हम आपकी ये डिमांड मानेंगे, हम ये करेंगे, उनके कहने पे हैं, ये लग जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बलोचिस्तान पे जो जुल्म हो रहा है या बलोचिस्तान के लोगों को हक नहीं मिल रहा, वो कौन नहीं दे रहा हक? वो हमारे पास जो हुक्मरान है वो नहीं दे रहे, तो उन्हें चाहिए कि वो दें, तो अगर अगर जो कोई नेक या कोई अच्छा हुक्मरान आएगा वही माइंड हमारी आगे ठीक करेगा ना, एम पी भी खाने वाले, एम एन ए भी खाने वाले, नीचे से लेके ऊपर तक सब खाने वाले हैं, हमें चाहिए कि पहले अपने हुक्मरानों को ठीक करें, वो ठीक होंगे तो आगे माइंड ही हमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम है राजदीन है। राजदीन साहब क्या करते हैं आप?
मैं ये कपड़े बेचता हूँ पुराने। ठीक है, ये आप स्टॉल वगैरह लगाते हैं? ठीक है, मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर पे, अगर कश्मीर की बात की जाए तो क्या आपके ख्याल में आता है, क्या जहन में आता है? देखो ये आज तक हमने जिंदगी में यही देखा है, देखा नहीं सुना है। सुना भी है, देखा भी है। अच्छा, कश्मीर में देखा? कश्मीर के हालात जो इतने बुरे इन लोगों ने इंडिया वालों ने कर रखे हैं कि न्याय देना औरतों की इज्जत है छक्का मारने वाला, वो भी मजरूह हो रही है, बच्चे वो नहीं है, जवान वो मारे जा रहे हैं और वहाँ बुरा हाल है। बुरा हाल है, ये तो आपने कर दी बात कश्मीर की कि कश्मीर में बुरा हाल है और वो उसका जिम्मेदार हम ठहरा देते हैं इंडिया को, ठीक है मान लेते हैं। अब बलूचिस्तान की बात की जाए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के हालात कैसे हैं? बलूचिस्तान के हालात हमारे अपने ही हैं इधर के। कैसे हैं? देखो उधर जो बलूचिस्तान में रहते हैं यहाँ से पंजाबी तो जाके हालात नहीं खराब करते। कौन करता है फिर? वो बलोची करते हैं, खुद ही कर रहे हैं ना, कोई पागल तो नहीं। आप कभी ऐसा चाहेंगे? आप चाहेंगे? एक बात बताओ मुझे, कराची के अंदर मैं 60 साल रह के आया हूँ, कराची का देखिए कौन हालात खराब करता है? उर्दू बोलने वाले करते थे, और तो नहीं करता था। अच्छा। है पंजाबी तो नहीं जाए हालात खराब कर, ये वहीं के लोग हैं जो खराब करते। वो ठीक है आपकी बात मैं समझ लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं आपका कोई घर है, आपका घर है, आप क्यों चाहेंगे कि आपके घर के हालात खराब हो? देखो हालात के खराब किए जब तीसरा फर्द उसके अंदर आ जाए, अनवाल कोई भी आ जाए, कोई भी दहशत गर्द आ जाए, कोई पैसे लेके किसी किस्म का घुस जाए तो वो तो पट्टी बढ़ाएगा, वो तो करेगा, दोनों को निकालेगा। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान है वहाँ उन लोगों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे थोड़े? देखो ये तो मानी बनी बात है, मानने वाली बात है। ये आज तक हमने ये सुना हमें नहीं मिलते तो कि उनको सही हकूक तो जब हकूक नहीं दिए जाएंगे लोग तो नाराज होंगे। वो तो नाराज होते जब मैंने वहाँ के हालात की बात है, हमने की मैंने हालात की बात, हालात आप भी खराब होते हैं ना जब नाराज, जब आपने अब हकूक की बात की, मैं हकूक की बात बता रहा हूँ क्या उनको आज तक उनको सही हकूक नहीं मिले, समझे के जो भी उनको छीना, उनको बिजली सही नहीं मिल रही, गैस वहाँ से निकलती है, कोई वहाँ निकल रही है, उनको घरों में गैस नहीं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, हमने तो देखा वहाँ। तो वो कौन कर रहा है जुलम? हम तो बात करते हैं कश्मीर में जुलम हो रहा है, तो हम दूसरे घरों में जाके मुसलमानों का बड़ा ख्याल करते हैं, अपने घर के ये जो बलूचिस्तान हमारा घर है ना, तो अपना हमारा शहर हमारा सूबा हमारा घर है, तो वहाँ के लोगों पे जो जुलम हो रहा है वो कौन कर रहा है जुलम? मतलब जो उनको हकूक नहीं मिल रहा, क्या करेंगे फिर? कौन हकूक नहीं दे रहा? देखो आने वाली कोई भी हुकूमत आती है वो तो नहीं देती उनको, यानी हम पहले हम अपने घर को देखते नहीं है, यानी अपने बलूचिस्तान जो हमारा दिल है उसे हम देखते नहीं है, और कश्मीर में या किधर भागे फिरते हैं, भागे फिरते हैं। देखो अपने घर को तो सही करो, जब वो एक उसको कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर बेटा वो उठेगा, वो मार धाड़ भी करेगा, खून खराबा भी करेगा, जब उनको हकूक नहीं मिलेंगे, उनको हकूक नहीं मिले अब बलूचिस्तान, ये हम मान ले। आपको नहीं लगता कि उनकी आवाज दबाई जाती है मीडिया पे? आए दिन जाती है, हमेशा दबाई गई उनकी, आए दिन हम कश्मीर के हवाले से सुनते हैं, हम पता नहीं किधर किधर वो सात समंदर पार वो जो उधर क्या नाम लेते हैं वार चल रही है वहाँ पे, कौन सा अच्छा, हम बड़े दूसरे इलाकों की बात करते हैं, हम कश्मीर की, कश्मीर छोड़े फलस्तीन की बात, पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों की बात करते हैं, अपने घर के मुसलमान अपने घर का पाकिस्तानी की बात क्यों नहीं करते, बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते? यही तो ये हमारे जितने सियासी लीडर सब बिके हुए हैं, सब बेगैरत है, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा अपना कसूर है ना अंकल जी, यानी कि हमारे का मतलब हम हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे सियासतदान जो भी हुकूमत आती है उनको क्यों नहीं देखते? एक बात मैं और बताता हूँ, आप कराची में चलो, लियारी का इलाका है, लियारी का इलाका ये पीपल पार्टी हमेशा वहीं से जीतती आई, आज तक उनको पानी नहीं मिला बेटा। हम फिर बात करते हैं, पानी नहीं मिला बलोचों को, पानी नहीं मिला बलोचों को आज तक पानी नहीं मिला, हाँ ओ हमेशा ये जीती है, बेनजीर जीती है, ये जीता है, इसका बेटा जीता है, सब जीते हैं है? मगर उनको कुछ है, उनके हकूक दिए, इनका गलियों में जाके देख लो खिचड़ी खिचड़ी फिर रहा होगा, उनके बच्चे धक्के खा रहे होंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलती यार, नौकरियां नहीं मिलती, ठीक है। अब वहाँ के डाके चोरी वो लोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? लियारी वाले मुंशियात बेचते हैं, डाके चोरियां मारते हैं, क्यों कर इसी वजह से करते हैं, उनके बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाती, उनको बच्चों आगे नहीं लिया जाता है, अच्छी नौकरियां नहीं दी जाती, तो वो क्या करें, टिकेटियां मारेंगे और क्या करेंगे? ये वो बातें हैं जो तल्ख तो हैं लेकिन हकीकत पे मुबनी हैं, हम सच बोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, और हमें शायद गद्दार भी कह देंगे कि ये तो देखो ऐसे ही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, पागल हो गया, मेरी जिम्मेदारी है मैं
जहां तक कोशिश हो सके मुझसे मैं सच सामने लाऊं और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सच को आगे लाऊं, ना कि पाकिस्तान की बदनामी या पाकिस्तान की बुराई के लिए। शुक्रिया अंकल जी। यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। अरे भाई यार, सारों के आगे कश्मीर का नाम लिया तो जुल्म होता है, जुल्म होता है। जब आई बलोचिस्तान की बात तो भाई फिर काम और ही हो गया ना। बात असर बजाद हमारा मीडिया बताता नहीं है ना, वो लोगों के जहन में कश्मीर की बात घुसी हुई है, वो कश्मीर के रोना रोएंगे कि इंडिया उधर बहुत जुल्म करता है, ये बात करता है, सब कुछ करता है। चले इंडिया में बलोचिस्तान, वो सॉरी इंडिया करता है कश्मीर में, तो बलोचिस्तान में भी इंडिया कर रहा है। नहीं यार, मैं एक बात करूँ तो हमारे मतलब और लोग कहाँ पे हैं, क्यों नहीं रोक सकते। मैं एक बात करूँ, जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया करा देता है टॉप कंट्री ये वो, फिर तो उनको पकड़े ना, अगर बलोचिस्तान में करा तो वो पकड़े इनको। कितने बंदे होंगे, 100 होगा 150 होगा, कोई तो एक पकड़ा जाएगा ना, कोई तो एक सामने लाए ना। ये बातें बातें यार, बस अपनी वो सियासत चमकाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वजह बलोचिस्तान हमारा सूबा है, उसको वो राइट 75 सालों में नहीं मिल सके जो लोगों ने बताया। लोगों को नहीं पता, ये हमें जो बड़े लोग हैं ना उनको पता है, उनको राइट वो चीज नहीं मिली। अब देखो गैस वहां से आ रही है और कोयला वहां से निकलता है, अगर बलोचिस्तान हमसे अलग हो गया तो ये चीजें हम कहां से लें। मादन या तो उधर से इतनी निकल रही है, बंदा सोच भी नहीं सकता, उन्हें कोई राइट ही नहीं मिल रहा है ना। किस वजीर आजम ने, किसी बंदे ने उधर इतनी उनके बलोचियों की आवाज नहीं सुनी कि उनके को मुताल, उनको और चीज कुछ नहीं चाहिए, अपने मुतालबात चाहिए। जिधर पानी, पीने का पानी आपको 15-15, 20-20 मील दूर जाके लाना पड़े, फिर वो कौम क्या करी है। गैस भी उधर से गुजर रही हो, उन्होंने बोला इस अच्छा हम अलग हो जाए तो भाई हम अच्छा कुछ सब कुछ कर रहे। पाकिस्तानी तो जी लोग जो सियासतदान है, पहले तो अपने बलोचिस्तान को हालात ठीक करे थे, तब कश्मीर की बात क्या करेंगे, उधर हालात ठीक है, अमन सुकून है, सब 370 हटा है तो उन्होंने शुक्र किया, उनको राइट मिलना शुरू हो गया सब कुछ। वहाँ का कश्मीर अब पूरे पाकिस्तान से आ गया। बिल्कुल जी, उधर तो डेवलपमेंट शुरू होगी हर चीज की। हम पहले अपने आप को सही करे फिर भाई बात करे, तो फिर हालात अभी ठीक है। जब कोई मुखलस होगा बंदा, मुखलस से ठीक हो गए, लोगों ने आके भी माना है भाई बात के भाई फाइनली वो ट्रैक पर आए और बताया कि हाँ भाई ये जब सीन वो है। आवाज उठाते हैं ना वजात, उनकी आवाज दबा दी जाती है, मीडिया सामने नहीं लाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह बीच में लोगों ने बातें इसके अंदर की हैं, वो भी यार अब बस बातें तो सही कर रहे थे ना, कोई इधर उधर की घुमा रहा था, लेकिन फिर भाई लाइन पे आ रहे थे। यार आप लोग बताएं, आपके थॉट इधर बड़ा खत्म करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा कह रहे।